तो भाई अभी थोड़ी छोटी है मोटी भूख मिटाने के लिए हम लोग रुके हैं, और हमने यहाँ पे ले लिए कुलचे, और सभी लोग अभी कुलचों में मस्त हो रखे। तो भाई यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं हिमाचल में, और यहाँ पे भैया सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई। अब तुम लोगों को भी भाई मजा आएगा मेरे साथ। भाई अभी हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं, और यहाँ का व्यू देखो यार क्या मस्त। पहाड़ों पे देखो बर्फ जमा और जम रखी है पूरी, अभी तक धौलाधार रेंज। और ये देखो भाई, तो भाई फिलहाल अब हमने भी यहाँ से ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। और ये देखो प्यारे की अभी पीछे जय। और यार ट्रैकिंग ये कोई आसान नहीं है, बहुत टफ है इस टाइम पे जहाँ में हम लोग जा रहे हैं। कहाँ ऊपर जाना है यहाँ से? के 1:38 हो गया, और हम लोग इस टाइम पे भाखड़ा नागल डैम के पास ही खड़े हुए हैं, क्योंकि आगे यार बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। देखो यार कितना लंबा जाम है, मतलब कहने की हद ही नहीं है। देखो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, और ना कि नदी देखो यार, नहर फुल लहरों पे है, काफ़ी गहरी है, बहुत गहरी है। अभी तो आगे से हमें दिखेगा ये पूरा भाखड़ा नागल डैम। क्या भाखड़ा नागल डैम, और ऑलमोस्ट जाम खुल गया, आपको देखा था आपने जाम कितना लगा हुआ था। और यहाँ से ही देखो यार फुहारे मार भाई, ये देखो भाई बहुत स्पीड है इस पानी की, इसमें अगर बंदा फंस गया ना बिल्कुल ले। भाई देखो देखो यार क्या भयंकर पानी है। हिमाचल प्रदेश भाई, अगर आप तो भाई अभी थोड़ी छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए हम लोग रुके हैं, और हमने यहाँ पे ले लिए कुलचे, और सभी लोग अभी कुलचों में मस्त हो रखे हैं। देखो भाई कैसे लग रहे हैं, बढ़िया है, मस्त है। भाई मजा आ रहा है फिर है यहाँ की सड़कों पे भाई। अरे एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। सांप सीढ़ी खेली होगी बचपन में ना, ऐसे लहरा रहा है रोड। अब यहाँ पे भी है लहरा रहा है, अभी थोड़ी देर में तुम लोग भी लहराओगे, रुक जाओ। अरे अभी तो डर सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, काफी लंबा सफर है। तो भाई अभी काफी देर ड्राइव करने के बाद यार पहाड़ों पे मजा आया नहीं आया यार तुम लोगों को? बहुत मजा, बताओ। बहुत मजा आ गया, 40 किलोमीटर बचा बस, 40 ना, 1 घंटे के अंदर बस पहुंच गए, बस पहुंच जाएंगे यार। बस थोड़ी देर से यार अब यहाँ पे रेस्ट लेने के लोग रुके थे, 4:15 हो गए हैं, और होपफुली 5:15 बजे तक हम लोग पहुँचने की उम्मीद रखते हैं। मगर यार यहाँ का व्यू देखो यार, सही में जाम रुके हुए वादियों के बीच, ये देखो यहाँ हिरन भी है वाक्य में। हाँ यहाँ पे हिरन भी, और लोकेशन कितनी प्यारी है यहाँ की है ना, लोकेशन कितनी अच्छी लग रही है। भाई अभी हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं, और यहाँ का व्यू देखो यार क्या मस्त। पहाड़ों पे देखो बर्फ जमा और जम रखी है पूरी, अभी तक धौलाधार रेंज। और ये देखो भाई लोग क्या मस्त यहाँ पे इस पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, और हम अभी यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं भाई। ये भी देखो कितने खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, हैं
और ऊपर का व्यू देखो सब, वाकई में बहुत डेंजर रास्ता है, मतलब गाड़ी भी नहीं चल पा रही है ठीक से इस पे। यहाँ पे आओ तो 4x4 ही लाना प्रेफर करना। सही बात है, ठीक है, ये देखो 2x2 से काम चलने वाला बिल्कुल। और नीचे का दिखाना जरा, खाई का, खाइयां तो दिखा दो यहाँ कितनी डेंजर है। ऊपर का व्यू देखो जरा यार, वहाँ का ना ऊपर का कितना मस्त आ रहा है। अच्छा, मगर मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक एडवेंचर है, फुल एंजॉय, मजा आ रहा है। तो भाई फिलहाल अब हम लोगों ने यहाँ पे चालू कर दी अपनी ट्रैकिंग और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो गए और सनसेट भी होने वाला है, बट हमें जल्द से जल्द अभी ऊपर जाके हमें ट्रैकिंग अपनी पूरी करनी पड़ेगी। कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का हमें उस पहाड़ी की ट्रैकिंग कर रही है पीछे। और यार देखो जरा यहाँ से व्यू देख लो यार, क्या तो भाई ये देखो अभी हम कहाँ पहाड़ों के बीचों बीच हैं एकदम। और यहाँ से आप व्यू देखो यार, सही में ये पानी वानी झरना यहाँ पे। और ये देखो, और यहाँ से हमें ट्रैकिंग के लिए जाना है अभी, और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और राहुल पहुँच गए, क्या बात है, आ रहा हूँ मैं भी यार, आया भाई। यहाँ का व्यू दिखा रहा था, कितना मस्त लग रहा है यार। तो वही फिलहाल अब हमने भी यहाँ से ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट कर दी है। और ये देखो प्यारे की अभी पीछे जय। और यार ट्रैकिंग ये कोई आसान नहीं है, बहुत टफ है इस टाइम पे जहाँ में हम लोग जा रहे हैं। ले कहाँ ऊपर जाना है यहाँ से? अरे नहीं, वो लोग और आगे यार, यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है सही में। भाई आराम से चलना, यहाँ पे पत्थर ऐसे हैं, अगर स्लिप हुआ ना पैर तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। वो देखो सही में यार, ये तो हालत खराब। तो वही अभी देखो कैसे कैसे रास्तों से हमें होके जाना पड़ रहा है यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए। और हालत इस टाइम पे सबकी ख़राब हो गई है क्योंकि ठंड भी बढ़ता जा रही है धीरे धीरे जैसे अंधेरा हो रहा है, और ये काफ़ी डेंजर होने वाली है क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ों का खतरा भी रहता है। और पानी की आवाज़ सुनो, ये देखो। तो भाई अभी सबसे पीछे मैं ही हूँ, थक भी गया हूँ, मेरा बैग भी भारी है ना काफ़ी, और भाई हालत ख़राब होने लगी अब तो वाकई में ही, तो पैर भी जवाब देने लगे। नहीं देखो इस वीराने में कोई भी नहीं है, यहाँ पूरी चारों तरफ खाई खाई है, पहाड़ है, नदी है, सिर्फ दो दो एक लोग हैं बाकी और कोई भी नहीं है। क्या वो भैया बहुत ऊपर जाना भी हो टॉप पे, तो देखते हैं अभी कितनी देर में पहुंचते हैं हम। तो इस टाइम पे हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं और अंधेरा भी हो गया है और पसीने से हो रहे हैं बुरा हाल, और बस क्या ही बताएं, हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब चढ़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर पैर पड़ रहे हैं कहाँ नहीं। मगर ये लोग तो यही एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है, हालत खराब हो गई वाकई में। राहुल आ बैठा है और ये देखो हम चल रहे हैं यहाँ पे, आ जाओ। तो भाई फाइनली 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे अपने कैंप पर। और कैंप देखो यार कितना मस्त लग रहा है यार, कलरफुल लग रहा है, अभी सब लोग बैठ गए यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, देख लो
बैठे हुए काफी लोग और हम पहुंच गए भाई। मगर एक बात है लिटिल यार, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है इस टाइम पे चढ़ चढ़ के ऊपर। एक घंटा जो ट्रैकिंग करनी पड़ी, एक तो अपन लोगों को इतनी आदत नहीं है ना, फिर भी इतना चढ़ के आए, मगर यार एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था मैं सही बता रहा हूँ जो। अभी बहुत मजा आया यहाँ पे आके, और अभी बस सोच रहे थोड़ा सा ना रेस्ट करेंगे यार, बहुत क्या कहते हैं थकान हो गई है, हालत इस टाइम पे खराब है बस। तो भाई ये अपना कैंप है जो अभी भैया रेडी कर रहे हैं, तीन दो बंदों के लिए, और एक ये है अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कैसे कैसे जाएंगे। देख लो कैंप, देख लो भैया अपना, यहाँ पे अभी बेड लगा हुआ है और इसी में अभी रुकेंगे हम लोग। चलो यार, चलो भाई जो जो थक गए हैं ज़्यादा वो अंदर चलो। हेलो गाइस, अभी हो गए हैं सुबह के 7:30-8:15, और भाई रात को तो मैं सो गया था इसलिए अपनी वीडियो का मैं एंड भी नहीं कर पाया। तो अभी मैं अपनी कल वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, और इस टाइम पे हम लोग डिट्टो हट पे आ गए हैं। बहुत मस्त जगह है जहाँ पे हम लोगों ने कैंपेनिंग करी है, रुके हैं, ठहरे हैं, और यहाँ आपका ना मतलब यार माहौल मेरे को बहुत पसंद आया। लोग भी यहाँ के इतने बढ़िया ना यार, सही में बहुत हेल्पफुल हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि ना ये वो करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं ये लोग, इतना स्ट्रगल मैं बता नहीं सकता यार। नीचे से कोई भी साधन नहीं है ऊपर आने का, है वॉक करके आना पड़ता, और इतनी इतनी चीज़ें ये लोग यहाँ पे लाके हम लोगों के लिए इतना सारा पूरा सेटअप तैयार करते हैं यार, सही में मज़ा आ गया। तो अब फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ये तो कल की वीडियो थी जो मैं एंड कर रहा हूँ, अभी आप बने रहना, अभी मैं आपको बहुत सारी एडवेंचर चीज़ें दिखाऊंगा और भी जगह लेके जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।